सोए मूसे की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन की भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश आया, बांझन को पुत्र जीत निर्धन को माया, सुबह शाम शरण आए सफल कीज सेवा, सबके दुख दूर करो गणपति देवा, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुते भारी, कामना को पूरा करो जो बलिहारी, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश जी भगवान की जय। गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। शुभी जी, सबसे पहले तो गणपति बापा मोरिया जी, एकदम गणपति बापा मोरिया। और जितने भी मेरे देखने के जितने भी मेरे दर्शक हैं जो मुझे देख रहे हैं इस टाइम पे, सभी के लिए गणपति बापा मोरिया और आपके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं आए लेके बापा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बापा आज खुद आपके घर पे पधारे हुए हैं, आए हुए हैं। सबसे पहले तो शुभी शर्मा की खुशियां अपने शब्दों में बयां करें, क्या कहना चाहती हैं शुभी शर्मा? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इस बार तीसरी बार पापा गणपति बाबा मेरे घर पे आ रहे हैं। पहली बार आए तो घर आया, दूसरी बार आए और खुशी आई, तीसरी बार जब आए हैं तो मेरी एक पिक्चर आ रही है NH3 निरवा हिंदुस्तानी 3 आ रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद उस पिक्चर को ज़रूर मिले और हमारी पूरी ऑडियंस को भी वो पिक्चर ज़रूर पसंद आए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा NH3 निरवा हिंदुस्तानी 3। दिनेश जी के साथ मैं इसमें पहली बार काम कर रही हूँ तो वो आशीर्वाद है, पापा ने आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा अच्छी पिक्चर में काम करो और मस्त रहो। वैसे भी बहुत मस्त रहती हैं, ऑलवेज ऑलवेज। गणेश भगवान के लेकर हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ कहानियां हैं। 3 वर्षों से जब गणेश भगवान का आगमन आपके घर पे हो रहा है, कुछ बदलाव शुभी शर्मा ने अपने जीवन में महसूस किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बॉम्बे में घर खरीदना सपना होता है, पहली बार जब आए घर हो गया, दूसरी बार आए तब भी बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हुई थी बैक टू बैक, और तीसरी बार आए तो एक कार तो पहले से है मेरे पास, एक कार मेरी और आ गई मर्सिडीज। पापा ने आशीर्वाद दिया कि इस बार बेटा ये कार लो, तो मैं पापा को उसी कार से, नई कार से घर पे आई हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी कि तीसरी बार मर्सिडीज, अब चौथी बार में पता नहीं पापा क्या देंगे, पर उनका आशीर्वाद ही काफ़ी है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ कुछ अच्छा अच्छा होता है लाइफ में। आपके परिवार से और कोई शामिल नहीं हुआ शुभी जी इस बार कोई खास वजह? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दीदी रूपा दीदी आइए, दीदी है मेरी अनु दीदी आई है, रूपा दीदी आई है, तो फैमिली से हमेशा कोई ना कोई आता है जो हर बार की तरह है। जिसके भी देखिए, तो ये भी बड़ी सिस्टर है रूपा दीदी, और जो डेकोरेशन किया है पूरा, हमने कहीं बाहर से किसी को बुलाया नहीं, सब कुछ पूरा डेकोरेशन रूपा दी अनु ने किया है और रूपा दी ने दोनों ने मिलके किया है। हमने थोड़ी बहुत हेल्प की है कि हाँ ये सही है, ये सही है, ऐसा अच्छा ठीक है लग रहा है, बाकी सारा शेयर पूरी मेहनत का, डेकोरेशन का, सजावट का दीदी के ऊपर जाता है। तो अनु दीदी और रूपा दीदी को थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी डेकोरेशन की और बाबा बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं, थैंक यू सो मच दीदी। शुभी जी, आपके पास तो वक्त होता नहीं है ज्यादातर, शूटिंग यहाँ वहाँ व्यस्तता बहुत ज्यादा होती है, तो इन चीजों के लिए कैसे वक्त निकालते हैं? गणेश भगवान की प्रतिमा का चुनाव करना, फिर ये सारे डेकोरेशन, ये ऐसे नहीं लगेगा काला वाला नहीं लाल वाला फूल, ये बात आपने बहुत ही अच्छी पूछी है। जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब था, मन में एक श्रद्धा थी कि गणपति जी को बिठाना है, तो उस टाइम शूटिंग में थी मैं, और वो शूटिंग किसी एंगल से फील नहीं होता कि हाँ ये पैकअप अभी होगी, 3 दिन बाद खत्म होने का था, बट मन में आया कि बाबा आपको बिठाना है, शूटिंग जल्दी से खत्म हो जाए बस। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने बोला सॉन्ग हम लोग बॉम्बे शूट करेंगे और अभी यहाँ पे पैकअप करते हैं। उस दिन पैकअप हुआ, मम्मी और मैं यहाँ पे आए और हैंड टू हैंड मूर्ति पसंद किया, सब कुछ चीज़ की, पहली बार गणपति भगवान ऐसे बैठे। उसके बाद भी जब जब टाइम आता है, सब कुछ अपने आप ही होता है, टाइम भी अपने आप निकलता है शूटिंग से या शो से, कुछ तो ऐसा चमत्कार है जो अपने आप होता है और अपने आप ही सब चीज़ें होती हैं। और मुझे अभी तक भी पता नहीं कैसे डेकोरेशन हो जाती है, कैसे बाबा आते हैं। और मूर्ति की जहाँ तक बात है, इस बार पहली बार
ऐसा हुआ है कि जो मैंने पसंद की थी, चॉइस की थी, वो फर्स्ट टाइम आई है. वरना हमेशा ऐसा होता है कि जो मैं पसंद करती हूँ एंड एंड टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मूर्ति दूसरी आती है. बट इस बार जो मैंने पसंद किया पापा वही आए घर पे. वरना कभी क्रैक हो गई थी एक बार थोड़ी सी मूर्ति, फिर चेंज हुई. और जो पहली बार पसंद किया था वो उसने किसी और को दे दिया, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तब दूसरी आई. बट इस बार मैंने पहले से बोलता भगवान जी इस बार जो मैं पसंद करूँ ना आपको ही आना है. शुभि जी, जब भगवान होते हैं दिन तक आपके यहाँ पे पूजा पाठ होती है, बहुत कुछ पसंद होता है भगवान को, जैसे कहते हैं मोदक पसंद होता है. शुभि शर्मा को क्या कुछ पसंद है? मोदक तो ऑब्वियसली, तो बाबा को मोदक पसंद होता है, मोतीचूर के लड्डू पसंद होते हैं, और शुभि शर्मा को बर्फी पसंद है, जो बाबा की मिठाई के साथ में खुद की भी मिठाई लेके आ गई है. वो भी स्पेशली जयपुर से मैंने अपने लिए बर्फी और बाबा के लिए लड्डू मंगवाए हैं. मोदक सब जयपुर से काफ़ी सारी मिठाइयाँ आई हैं, और बाकी तो अपना बॉम्बे है ही. तो शुभि शर्मा को बर्फी पसंद है और गणपति जी को मोदक पसंद है. शुभि जी, आप मेहमान भी बहुत सारे आए होंगे. आपके यहाँ पे सेलिब्रिटीज आते हैं, आते रहते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए. उन्हें मेहमानों को खिलाने के लिए शुभि शर्मा ने कुछ बनाया है होटल वाली? बिल्कुल भी नहीं है व्यवस्था एकदम, क्योंकि इस दिन प्योर होता है, शुद्ध होता है, तो सब कुछ खाना वाना सब घर पे बनता है. बट जहाँ तक बात है शुभि शर्मा जी ने क्या बनाया है, तो जिससे पहले मैं कुछ बनाने की कोशिश करती उससे पहले मेरी बहनों ने सब कुछ तैयार कर दिया था. तो मैं आज झूठ तो ऑब्वियसली मैं बोलती भी नहीं हूँ, आज के दिन तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया है. सब मिठाइयाँ बाहर से आई और खाना दीदियों ने घर पे बनाया. मुझे खाना बनाना आता है. अच्छा, ये यही पूछने वाला था. मुझे खाना बनाना आता है. जो भी ऑडियंस है, मुझे खीर आती है, पूड़ी आती है, हलवा आता है. नॉनवेज मैं खाती नहीं, इसलिए मुझे आता भी नहीं बनाना. मुझे प्योर शुद्ध वेज खाना बनाना आता है. मैं किसी दिन आपको जरूर बुलाऊंगी स्पेशली. हाँ आनंद जी, आपको शुभि जी, फिल्मों की जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अपकमिंग फिल्मों के बारे में थोड़ा सा बताएंगे. देखिए, जैसे कि मैंने अभी जस्ट कहा आपको, नेक्स्ट मंथ के अंदर मेरी बहुत ही बड़ी पिक्चर आ रही है, और बहुत अच्छी पिक्चर आ रही है, निरवा हिंदुस्तानी 3. मैं हूँ, अमरपाली जी हैं, दिनेश जी हैं. तो निरवा हिंदुस्तानी 3 को आप लोग ज़रूर देखिएगा. और उसके बाद भी बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं, ढेर सारी पिक्चरें हैं, जिसकी दरार 2 आ रही है, पागल दिलवा आ रही है, इसके अलावा कहानी किस्मत की आ रही है. तो ऐसी बहुत सारी पिक्चरें आ रही हैं. बट जो सबसे पहले दर्शकों के पास तक पहुँचेगी वो है NH3. थैंक यू. ganpati